Yes, students, good morning. Today we are going to do a poem. The name of the poem is The Tale of Custard. Custard name है dragon creature का. एक dragon नामक creature है, उसका name है custard. और tale you all know story. एंड दिस पोएम इज ए बैलेट. बैलेट हम तो आपको समझाने के लिए बोलता हूँ. कोई वीर गाथा या कोई डरपोकता की आश्चर्य कहानी जो एक गाने के रूप में प्रस्तुत की जाए, एक गीत के रूप में या एक कविता के रूप में कहा जाए. जैसे मैं आपको बताऊँ, अपने रामायण में लव कुश ने जो राम कथा सुनाई थी वो एक गीत के रूप में थी, तो हम उसको बैलेड कह सकते हैं. इसी टाइप की ये बैलेड है जो कुछ एक लेडीज और उसके फोर पेट्स के बारे में है. और ये एक वैंग है. दिस इज ए डबल रिडिकुलस या ह्यूमरियस पोएम, मजाक किया है. एक वैंग करती है, मजाक के रूप में एक वैंग है. यदि केवल मजाक किया है देन वी कैन से ह्यूमरियस, बट वी विल से इट रिडिकुलस. मतलब मजाक के रूप में एक वैंग है. वैंग क्या है इसका जो सारांश है मैं पहले वो बताऊंगा. सारांश ये है कि हम कभी भी चुप रहने वाले, शांत स्वभाव वाले या बिल्कुल मतलब पीसफुल वे में रहने वाले को ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल डरपोक हो. होता क्या है कि जो ज़्यादा डिंगमाते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो ज़्यादा बोलते रहते हैं, जोर से बोलते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनके प्रति दिमाग में इमेज आ जाती है कि ये बहादुर है. और कोई बिल्कुल नहीं बोलता, अपने काम से काम रहता है. टाइम आने पर मालूम होता है कि आउट ऑफ दीज टू करेक्टर्स विच वन इज पावरफुल, विच वन इज टिमिड और विच वन इज ब्रेव. ऐसी मतलब स्टोरी है. स्टोरी बहुत आसान है. सिंपली इसको आप लाइन टू लाइन रीड करते हुए क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे जो क्वेश्चन बन जाते हैं. वही अपना थोड़ा तरीका है. कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, इनके मीनिंग अलग से आपको बता दिए जाएंगे. तो पहले इसके इंट्रोडक्शन है. स्टार्ट करते हैं बेटा. ये आपका यहाँ तक का स्टैंजा है. ये दो, ये तीन, ये इस तरफ का चार, पाँच और छः. इसके अलावा इसमें सात या आठ स्टैंजेस और हैं क्योंकि स्टोरी है जो पोएम के रूप में. और ऐसी जो मतलब ये बैलेड है वो बहुत आसान होती है. देखते हैं इसको. बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस. एक लेडीज का नाम है बेलिंडा जो एक छोटे से ये घर में रहती है. विद ए लिटिल ब्लैक किटन, उसके साथ में क्या है, ब्लैक किटन है. एंड ए लिटिल ग्रे माउस, एंड माउस कैसा है, ग्रे है. एंड ए लिटिल येलो डॉग, एक उसके साथ में येलो डॉग भी है. एंड ए लिटिल रेड वैगन, वैगन होता है छपरा गाड़ी, एक लाल रंग की गाड़ी भी है. तीन मित्र आ चुके हैं. ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है और साथ में एक छपरा गाड़ी है, इसका भी आगे जिक्र आएगा. और चौथा क्या है, एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटल पैट ड्रैगन. ये इसका मीनिंग है रियल एंड ट्रू. ये बार बार आएगा, वो रियल है, ट्रू है, एक छोटा पालतू ड्रैगन नाम का भी साथ में है. तो आपने क्या सीखा है, देयर आर फोर पेट्स एनिमल, वन इज किटन, सेकंड इज माउस, थर्ड इज डॉग एंड फोर्थ इज ड्रैगन. और उसके घर में एक लाल रंग का छकड़ा भी है. ये उसके चार पालतू के बारे में जिक्र किया गया. अगले पैसेज में इनके नेम क्या है वो बताए गए हैं. आप आराम से ढूंढ लोगे. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस, माउस इज ग्रे, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसका नाम ब्लिंक था. एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, वाज शार्प जो डॉग था बहुत तेज था, बहुत क्रूर स्वभाव का था. और एज मस्टर्ड, और उसको वो मस्टर्ड नाम से पुकारती थी ऐसा कहेंगे. बट द ड्रैगन वाज कवार्ड,
ड्रैगन था वो कबाड था, वो डरपोक था। शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, वो उसको कस्टर्ड कहती थी। अब इसकी रिदम बताता हूँ बेटा क्या है। हाउस हाउस, वैगन ड्रैगन, तो क्या हुई ए बी बाई दी। यहाँ पर भी ए ए बी मिलते हैं, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड बाई दी। एग्जाम में सिक्स लाइन आ जाएगी तब रिदम क्या बनेगी ए ए बी बी अलग है सी सी, क्योंकि चार लाइन है तो हम उसके हिसाब से करते हैं, जितनी लाइन है उसके हिसाब से हम इसको रिदम को ये मेंशन करते हैं। ये इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, लास्ट तक किया हुआ है। रिदम ऑफ द मैसेज ए ए, यदि चार लाइन का तो ए ए बी बी, छह का तो ए ए बी बी, फिर मैं इसको सी सी कहूंगा इंक ब्लिंक कैसे। ये आपके हैं टू पैसेज, पहले में उसके पैट्स कौन थे, दूसरे में उनके नेम क्या थे, तीसरे में। अब ये पैसेज जो मैं कहूंगा यहां से छोटा क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन क्या है कि ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन कैसे हो गया, किसी के बारे में दिया गया, बाकी तक कंप्लीट है। इसका देखिए कि इसका दो कलर है, वो येलो है, किटन का ब्लैक है, माउस का ग्रे है। अब इसके बारे में इसका उन्होंने जिसके पूरा पैसेज ये ड्रैगन के ऊपर है, क्योंकि नाम में लिखा है क्या बोलते हो कस्टर्ड द ड्रैगन है ए बिग शार्प टीथ, अंडरस्टैंड, उसके जो दांत थे वो बहुत शार्प बहुत तेज थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, जो ड्रैगन है वो साइन आर्ट के नेम के साथ में दिखाते हैं, ये जो है इसके ऊपरी हिस्से के ऊपर स्पाइक्स होता है कील के आकार के उभार से, जो बहुत से क्रिएचर्स के ऊपर होते हैं। तो आप यदि इसमें ये डालोगे ड्रैगन का फोटो, वैसे मैं आपके साथ में ये डालूंगा उसको आप देख लेना, उसकी जो पीठ के ऊपर है वो क्या है स्पाइक्स उभार है कील की तरह, रेड कलर की आपको दिखाई देगी, मैं आपको फोटो डालूंगा। एंड स्कल्स अंडरनीथ, मतलब ये बैक में नीचे की साइड में स्कल्स होता है धारियां, चिकनी धारियां जैसे स्नेक के नीचे होती है इस टाइप, उसका ही डिस्क्रिप्शन है। उसके हम क्या लिखेंगे, उसके जो टिप थे देवर वेरी शार्प, ही हैज स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिज बॉडी एंड देयर वाज स्कल्स अंडरनीथ द बॉडी, ऐसे हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो साथ में क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, मतलब उसके मुंह मतलब जैसे वहां से आग निकलती हो, चिमनी फॉर ए नोज, और नाक भी एक चिमनी के तहत, चिमनी का मतलब यही है कि नाक से जैसे धुआं निकलता है, क्योंकि चिमनी से धुआं निकलता है तो नाक से जैसे धुआं निकलता है। एंड रियली और ट्रूली, मतलब रियल एंड ट्रू डैगर्स ऑन हिज टोज, होते हैं पंजे आगे से उसके ऊपर, डैगर्स बोलते हैं चाकू नाइफ को, डैगर्स बोलते हैं, मतलब उसके जो टोज थे वो ऐसे थे जैसे कि चाकू, मतलब ये उसका डिस्क्रिप्शन है। टू मार्क्स का क्वेश्चन आ भी जाए कि डिस्क्राइब द ड्रैगन, हम क्या कहेंगे द ड्रैगन है शार्प टीथ, देयर वर स्पाइक्स या देयर आर स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिज बॉडी एंड देयर आर स्कल्स अंडर नीथ द स्किन, चमड़ी के नीचे शायद है। एंड हिज माउथ वाज लाइक ए फायरप्लेस एंड हिज नोज लुक्स लाइक ए चिमनी एंड देयर वर डैगर्स ऑन हिज टोज, आपका पूरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अभी बेलिंडा वाज एज ब्रेव, अब इस पैसेज में क्या बताया गया है कि वो उसके जो पेट्स थे वो कितने ब्रेव हैं, उनको कहीं ना कहीं से कंपेयर किया गया है। अच्छी लाइन है, बेलिंडा वाज एज ब्रेव, कितनी बात हो वो एज ए बेल फुल ऑफ बियर्स, बियर्स भालू आप जानते हैं, बेल्स आप ये कहेंगे कि भालू की तरह की आप जो ये ड्रेस पहन ले, उस तो वो बेलिंडा को भी बहुत थी, फिर उसने भालू की तरह की ड्रेस भी पहन ली तो वो भालू की तरह ही एक बहादुर लगती थी, इसका मीनिंग ये है। इंक एंड ब्लिंक दोनों चेज लॉइंस डाउन द स्टेयर्स, वो इतने बहादुर थे कि उनके घर में भी लॉइंस भी आता चेज वो उसका पीछा करते थे डाउन द स्टेयर्स और उसको भगा करके सीढ़ियों से नीचे भगा देते थे। मान लिया ये पैसे जाए और ये पूछ लिया आपसे
कि व्हाट आर इंक एंड ब्लिंक। अब क्या करो यहां से, इंक क्या था कि इंक वाज ए ब्लैक किटन एंड ब्लिंक वाज ए ग्रे माउस। तो बेटा ये याद होना चाहिए। अब बचेगा आपका इसका क्या बोलते हैं दोस्त का, मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर। हु इज मस्टर्ड? मस्टर्ड इज द नेम ऑफ द डॉग ऑफ बेलिंडा। इंक वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन ऑफ बेलिंडा। ब्लिंक वाज द नेम ऑफ ग्रे माउस ऑफ बेलिंडा। इसी प्रकार मस्टर्ड वाज द नेम ऑफ येलो डॉग ऑफ बेलिंडा। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज। रेज इन क्रोध में, गुस्से में। मस्टर्ड इतना बहादुर था जितना कि एक टाइगर वो पिंजरे में बहादुर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस शेफ केज। कस्टर्ड रो पड़ता था, चिल्ला पड़ता था फॉर ए नाइस, एक अच्छा असुरक्षित पिंजरा। मतलब ये नाइस केज का मतलब शेफ नाम का वर्ड साथ में यूज किया है। ये तो पिंजरा है वो, उसको काफी शेफ चाहिए ताकि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, उसको कोई मार नहीं दे, वो उसी के लिए बोल देता था। ये बड़ी बड़ाई करते थे। नेक्स्ट, अब ये चारों मिलकर के, चारों का मतलब बेलिंडा किटन माउस एंड डॉग, चारों में पांचवा क्रिएचर है ड्रैगन। चारों क्या करते थे? बेलिंडा टिकल्ड हिम। वैसे तो टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, यहां उसको कहेंगे टीज, चिढ़ाना। उसको चिढ़ाती थी किसको? ड्रैगन को। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, बिना दया के उसको हमेशा छेड़ती रहती थी, चिढ़ाती रहती थी। कैसे? इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड वो क्या करते थे? रूडली कॉल्ड हिम, उसको बड़े रूडली वे से बदलता। उसको क्या बोलते थे? पर्शिवाल। पर्शिवाल का जिक्र करूं तो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये पोयम अमेरिकन राइटर की है, ऑडेन मैस्की अमेरिकन राइटर की है, और यदि ये पोयम इंडियन राइटर की होती और उसको वहां के लिए किसी फॉर्म में भेजते तो वहां पे मान लिया दे कॉल्ड हिम विभीषण। तो वहां के पितर क्या बताते कि विभीषण भारतीय लिटरेचर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने भाई या कंट्री के साथ में धोखा किया। इसी प्रकार वहां अमेरिकन लिटरेचर में पर्शिवाल एक ऐसे योद्धा का नाम, योद्धा नाइट के नाइट जीएसटी, तो बड़ा बहादुर था। लेकिन एक टाइम के ऊपर उसने बहुत कायरता दिखाई, वो डर गया, तो उसका नाम वहां एम एस, तो वो उसको पर्शिवाल कहकर के चिढ़ाते थे। ये मीनिंग करता है यहाँ पे दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन छकरा, और वो सभी छकरे में बैठ करके हंसते रहते थे उसके ऊपर, उसका मजाक उड़ाते थे। किसका? एट द रियलियो ट्रूलियो कोवार्डिव रेगन, ड्रपो ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे हमेशा। ये ड्रपो का ये कुछ नहीं है, ये है वो है, चारों बैठ करके। नेक्स्ट और भी कुछ करते थे। बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड होता है पागल कितना सुना, उछड़ते हुए सुना, बहुत जोर से सुना। कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ पांच चार ये बड़े बच्चे बैठ जाते हैं किसी छोटी सी बात के ऊपर, एक साथ में बड़ा जोर से हंसते हैं, तो हम उसको लाफिंग नहीं कहेंगे, हम उसको गीगल्ड कहेंगे। बेलिंडा गीगल्ड टिल शी शुक द हाउस, इतना मूर्खों की तरह हंसती थी कि जब तक कि घर हिलने न लग जाए। वो क्या होता था? ब्लिंक सेड वीक, ब्लिंक उसको वीक कहता था, मतलब उसको वीक का मतलब होता है बहुत तुच्छ कहना। विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, जो मतलब हंसता रहता था, वो भी हंसते रहते थे, ब्लिंक भी, माउस भी, और ये बेलिंडा भी। इंक एंड मस्टर्ड, अब वो दोनों क्या करते थे? रूडली आस्क्ड हिज एज, वो रूडली है बदरसा से उसकी उम्र पूछ देते थे कितने साल का है। मतलब क्योंकि यहाँ पे ये पर्शिवाल का जिक्र किया गया है कि उसको उसने बच्चों जैसी हरकत की, तो उसको ये मानते थे कि ये आज भी बच्चा है, तेरी एज क्या है, और तो बिल्कुल डरपोक है। When custard cried for a nice safe cage, जबकि custard एक सुरक्षित जगह के लिए हमेशा चिल्लाता रहता था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे कि हाउ डिड बेलिंडा माउस इंक एंड मस्टर्ड मेक फन ऑफ द ड्रैगन। तो उसके पॉइंट हैं, बेलिंडा क्या करती थी? उसको टिकल करती थी और वो गिगलिंग करती थी।
ठीक है, और वो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसको ये पेर्सिवाल कहती थी, और साथ में वो उसकी एज बता करते थे, दे यूजुअली आस्क हिज एज। ठीक है, तो ये उसके बारे में क्वेश्चन है, ये आपका इस पोएम का पार्ट वन है। नेक्स्ट पोएम भी हम अगले पार्ट में करेंगे, एक पार्ट में ज्यादा हो जाती है, इतनी बड़ी पोएम हम कर नहीं पाते हैं। थैंक यू, ध्यान से आप इसको ये पढ़ेंगे। ये बैलेड है, बैलेड का मतलब क्या है, एक ऐसी पोएम है जो किसी वीर गाथा या किसी कहानी को सुनाती है। थैंक यू।